श्रीदेवी की मौत कार्डियक अरेस्ट से नहीं बल्कि बाथटब में डूबने से हुई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में मौत की वजह दुर्घटनावश डूबना बताया गया है। वे बाथटब में कैसे डूबी इसका कोई पुख्ता तथ्य सामने नहीं आया है। दुबई के मीडिया का दावा है कि श्रीदेवी के खून में अल्कोहल मिला। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शराब के नशे में संतुलन बिगड़ने से वे बाथटब में गिरी होंगी। हालांकि पुलिस ने शराब या अल्कोहल का जिक्र किए बिना सिर्फ अचेत होकर बाथटब में गिरकर डूबने की बात कही है। आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सौंप दिया गया है। बता दें कि श्रीदेवी की मौत शनिवार रात 11:30 बजे हुई थी। पुलिस अभी संतुष्ट नहीं। दुबई पुलिस कड़ियां जोड़ रही है कि आखिरी लम्हों में श्रीदेवी के साथ हुआ क्या था। इसी बीच सूत्रों की माने तो तमाम रिपोर्ट और दस्तावेजों की जांच से पुलिस अभी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने होटल के सीसीटीवी फुटेज मांगे हैं। उनकी मंजूरी के बाद ही पार्थिव शरीर भारत लाया जाएगा। इसी बीच मुंबई के एक वकील ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को ईमेल भेजकर भारत में श्रीदेवी का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की मांग की है। नशे की वजह से बाथटब में गिर गई। गल्फ यूज ने पुलिस के हवाले से बताया है कि शुरुआती जांच में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि शायद शराब के नशे में श्रीदेवी अपना संतुलन खोकर बाथटब में गिर गई। इसके बाद डूबने से उनकी मौत हो गई। खलिज टाइम्स ने रविवार रात को भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि श्रीदेवी की बॉडी पानी से भरे टब में पाई गई। फोरेंसिक रिपोर्ट में क्या कहा? श्रीदेवी की फोरेंसिक रिपोर्ट में इसे एक्सीडेंटल ड्राउनिंग यानी दुर्घटनावश डूबना लिखा गया है। उधर दुबई के मीडिया के हवाले से आई श्रीदेवी की फोरेंसिक रिपोर्ट में गलती भी सामने आई है। इसमें ड्राउनिंग यानी डूबने की अंग्रेजी में स्पेलिंग ड्राउनिंग गलत लिखी गई है। जांच करने वाले अफसरों का क्या कहना है? गल्फ यूज को एक अफसर ने बताया कि उस वक्त के हालात को समझने के लिए हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। पुलिस एक कड़ी को जोड़कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसे के वक्त श्रीदेवी के साथ कौन मौजूद था। वे होटल के रूम नंबर 2201 में ठहरी थी। अमर सिंह बोले, कभी शराब नहीं पीती थी श्रीदेवी। राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने फोरेंसिक रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि श्रीदेवी कभी हार्ड ड्रिंक यानी शराब नहीं पीती थी। वह सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों की तरह कभी कभार वाइन पीती थी। कब हुई थी मौत? श्रीदेवी की मौत शनिवार रात करीब 11 बजे जो मैरा एमिरेट्स टावर होटल के अपने कमरे में हुई थी। श्रीदेवी अपने परिवार बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ भांजे मोहित मारवाह की शादी में शामिल होने दुबई गई थी। शादी 22 को हुई थी। शनिवार शाम दुबई के होटल में क्या हुआ? परिवार के एक करीबी के हवाले से खलीज टाइम्स ने बताया था, कई बोनी कपूर शादी में शामिल होकर मुंबई लौट गए थे। 24 फरवरी को दोबारा दुबई लौटे और वे शाम करीब 5:30 जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल गए। यहाँ ही श्रीदेवी रुकी हुई थी। बोनी श्रीदेवी को सरप्राइज डिनर पर ले जाने वाले थे। बोनी ने श्रीदेवी को जगाया और दोनों ने करीब 15 मिनट बात की। इसके बाद श्रीदेवी वॉशरूम गई। जब वे 15 मिनट तक नहीं लौटी तो बोनी ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। कहतातयो मारक। अंदर से कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोला। बोनी ने देखा कि श्रीदेवी अचेत हालत में बाथटब में गिरी हुई थी। बोनी ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्त को फोन किया। उन्होंने करीब 9 बजे पुलिस को जानकारी दी। कहतातयो मारक। बाथरूम में बेहोश होकर गिरने के बाद उन्हें दुबई के रशीद हॉस्पिटल ले लाया गया। जब श्रीदेवी को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले लाया गया उससे पहले ही उनका निधन हो चुका था। होटल के कमरे से 48 घंटे से बाहर नहीं निकली थी श्रीदेवी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि पति और बेटी के मुंबई लौटने के बाद श्रीदेवी दुबई के होटल के कमरे में अकेली थी। निधन से पहले 48 घंटे तक बाहर भी नहीं निकली।